अरे सारे भाई, राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम भाई, भाई किसी ने आपसे पूछा जय श्री राम बोल दिया? जय श्री राम बोले, जय श्री राम तो जय श्री राम है, पर दस तो समझेगा ना, मैंने किसी को नहीं लेता अपने ब्लॉग में, छोटे मोटे तो सब बात समझ नहीं रहा। अभी भाई ने क्या बोली थी कि भाई लड़कियां मेरे लिए बड़ी हैं, लड़के बड़े नहीं है, भाईचारा वहाँ पे है पर लड़के नहीं। ये बात तुम बोलते जब शर्म नहीं है बोलते हुए। भाई जय श्री राम बोले तुमने, अच्छा बोला, पर ये कैसे बोल दिया? कैसे क्या क्या बताऊँ ना भाई, क्या उन्हें पता है तुम्हारे बारे में? क्या पता तुम्हें, पता है तुम्हें, बता तू भक्ता बहुत तेज है भाई। हम जा रहे हैं चांदनी चौक, भाई हमारे कस्टमर बना के ले जा रहा हूँ भाई को, भाई को लेनी है शेरवानी, इनकी शादी हो रही है और इसकी बहू आ रही है इनसे शादी कर। भाई आज आपको रेट दिखाते हैं, भाई ने हमारे लिए क्या स्पेशल रेट लगवाए हैं, 50% कम करके 100% प्राइस बढ़ा दिया है भाई। ये स्कीम है, वो कमाना तो है यार। तो भाई अभी जाए चांदनी चौक, वहाँ खाएंगे पियेंगे, बड़ी सर तुम्हें दिखाते हैं चांदनी चौक एक्सप्लोर करेंगे और अपनी दुकान एक्सप्लोर करेंगे, तो लेट्स गो फास्ट। और आज भाई ट्रैफिक नहीं है, देखो सारा खाली सिस्टम, और भाई आज सुकून मिल रहा है क्योंकि दक्ष भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम आराम से जा पा रहे हैं। इन भाई इनसे मत मिलना है, इनसे नहीं मिलना हमें, अरे मजाक करो। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। ये देखो भाई खाली बड़ा बिल्कुल रोड, दिल्ली में घुसे और जाम ने मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता। और भाई मुझे ये बंदा कह रहा था जाम नहीं मिलेगा, इसके व्लॉग में देख लेना इसने मुझे कहा है। स्टार्टिंग में तो आप दिखा रहे थे जाम नहीं, जाम नहीं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो भाई तूने बोला कैसे था व्लॉग में जाम नहीं मिलेगा, ये क्या है? यहाँ पे आना जाम दुकान भाई, पर आपकी तो पर्सनल पार्किंग भी है। भाई पर्सनल पार्किंग क्या करेंगे, 20 मिनट से यहाँ खड़े हुए हैं, 10-1-2 मिनट का रास्ता नहीं है, और भाई कह रहे थे जाम नहीं मिलता, मुझे सिखा रहे थे, दिल्ली आए नहीं हमें सिखा रहे हैं। नया घर से निकला है ना, नया नया घर से निकला है, वो क्या कहते हैं डायलॉग, नया नया घर से निकला बच्चा, सोच के बताएंगे आपको, सोच के भी सोच के जरूर बताएंगे। ऐसा नहीं है, तू जा रहा मत बोल, शांत हो जा, एलवी शादा बनता पड़ता है। नहीं नहीं एलवी शादा अलग है, वो अलग है। ठीक है भाई, फिर ठीक है। जब भी भाई आपने ब्लॉगिंग शुरू करी है, बिल्कुल भाई हाथ क्यों उठा लेते बार बार? जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ ऑटो वाले, ये तेरी, ये तेरी। हम पे तो बस की कुछ नहीं रही हमारे। आयुष भाई हमारे ड्राइवर हैवी है चांदनी चौक के, खाली चांदनी चौक के, उसके सिवा तो हम ही है। अच्छा, और चांदनी चौक के ड्राइवर तो आयुष चौधरी है। तुमसे भाई गाड़ी नहीं निकली, जब तुमसे गाड़ी नहीं निकली भाई, हमारा सिस्टम फेल हो गया आज। क्या तुम वहाँ पे है, तुम पुलिस वाले ने गाड़ी नहीं घुसान दी, फिर तुम्हारा सिस्टम है भाई, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, पागल हो रहा है, आ जा पागल हो रहा है। भवानी हम व्लॉग शूट कर रहे हैं, सिस्टम नहीं पता क्या, चांदनी चौक में गाड़ी घुसाए रखो, घुसाए रखो, अगर ऐसे घुसाओगे तो भाई दो यहाँ पे हमें एक घंटे ज्यादा टाइम दिखा दो। आयुष भाई आज बच्चों को बोनट पे बिठा के दिखा दे लोगों को, वो तो यहाँ पे तो टाइम दिखा जनता को। लो जी 12:42 हो रहा है और हम 12:10 पे यहाँ पहुँच गए थे चांदनी चौक में। भाई ऐसा गंदा जाम रहता है ना यहाँ पे, बस क्या ही बताऊँ। चलो ठीक है, अभी जान दो बंद करो। पहुँच गए भाई, पहुँच गए, अंकल दिखा दो, अंकल जी आगे दिखाएंगे, अंकल जी असली में भी दिखा देंगे, मजाक कर रहे हो, असली में नहीं दिखा पाएंगे, गालियाँ पड़ेंगी नहीं भाई। अरे भाई ऐसे होता है भाई, भाई ने रिक्शा मार दिया भाई, मतलब एक घंटे के संघर्ष के बाद पहुंचे। देखो भीड़ भीड़ भी देखो, ऑटो भी देखो, ऑटो दिखाओ ना भाई, क्या दिखाऊं, ऑटो दिखाओ, ऑटो वाली दिखा नहीं, ऑटो दिखा नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, अरे हमें पता है तुम, मैं जाम दिखा दे, कितना है दिखा, जाम दिखा देता हूं, ये जाम है तुम्हारा सामने भाई, ये गुरुद्वारा है, जो बोले शास्त्री है, क्या बोले, कुछ नहीं बोलना, जय श्री राम, जय श्री राम, क्या दिखाऊं तेरा एक्सपीरियंस रहा भाई। एक तो मैं हाथ जोड़ता हूँ गाड़ी लेके चांदनी चौक मत आए, पर यहाँ पे आयुष भाई का सिस्टम है, कैसे ड्राइविंग, और अंकल जी, अबे भाई तू छोड़ यार, क्या फोटो भाई, भाई दिखाओ तो सही एक बार अंकल की फोटो, बोल रहे हो राजू सिंह चौधरी, जय श्री राम, पर इसका फोटो नहीं लगना चाहिए, कुछ नहीं चलेगा। अंत पहुंच चुके थे स्वाति साड़ी, तुमने देख लिया, और आज प्रमोशन के लिए कौन आया है, दक्ष कालरा, दक्षिण तेजस्वी व्लॉग, यहाँ सॉरी दक्षिण तेजस्वी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोशन करने आए यहाँ पे, हम क्या प्रमोशन करेंगे, आप हमारा प्रमोशन कर दिए भाई। भाई ये दक्षिण, मैंने इसे बड़ी रिक्वेस्ट करके प्रमोशन के लिए बुलाया अपनी दुकान का, फेमस लोगों ने हमें अपनी दुकान पे बुलाया कि हम व्लॉग शूट कर सकते हैं। अरे भाई मजे ले रहे हो, अरे भाई अपनी दूसरी दुकान है, अरे भाई ये हमारे बड़े भाई हैं, भाई जय श्री राम, भाई चिंगम खा रहे हो भाई, कौन सा गाना है भाई, अभी हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना भाई, कम हंसो थोड़ा, दिन में भाई हनुमान चालीसा सुनते हैं, रात में भाई कहेंगे। अभी को मैं ले आया था लस्सी पिलाने मोटे लाला की, कैसी लस्सी लगी भाई? भाई बढ़िया लस्सी आया जो है, आज पूरा चांदनी चौक एक्सप्लोर करा, वो तो करवा दूंगा, बताओ वो खाओगे क्या बोलते हैं ब्रेड पकौड़े? नहीं भाई वो तो आप खाओ। अच्छा वो, और आप? मैं तो खाऊंगा। ये मुंह पे क्या लग रहा है पूरे लस्सी? बड़ा नुकसान हो रहा है मेरा, तेजस्वी और दक्ष आए हुए हैं भाई, खर्चा पे खर्चा हो जा रहा है,
अभी पहले लस्सी वस्सी पिलाई थी, अभी ये खिलवाना पड़ रहा है, फिर कह रहे हैं अलवीराम से मिठाई। जीवन में पहली बार तो कर रहा है, फिर जीवन पहले रहे, ज्यादा ही मत करा भाई, कम करवा थोड़ा। कोई बात नहीं भाई। तेजस्वी क्या हुआ, तुम्हें मिर्ची लग रही है, आंखें लाल हो रही है। लो क्या हुआ, एक ये पानी की बोतल, एक बोरी पानी की बोतल, अब कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, ये क्या है, टेस्ट थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो हुआ क्या, तेरी आंखें लाल हो रही है, जीभ लाल हो रही है, और तू क्यों बोल रहा है, तेरी भी हालत बुरी है भाई। अगली बार से खाओगे भाई, खाएंगे भाई, बिल्कुल खाएंगे। पर क्या हुआ, बात क्या होगी तो बताओ, नोएडा में भी खिला करो भाई हमें तुमको। अबे वो तो खिला दूंगा, बात बता क्या हुई। बहुत अच्छी थी, हम तो बोला नहीं जा रहा आपको, पारस भाई को खिलानी है, पारस भाई प्लीज आना, दो गाली हम भी सुनेंगे। भीड़ मंत्री जी, ये देखो दक्ष काल रहा, क्या हाल है, चलो चलो चलो, देखो चलते रहो चलते रहो, मजा सा आ रहा, मजा आ रहा, आनंद आनंद आ रहा है। ऋषि कपूर मत जाओ, मन तो ना। सुबह सुबह तो देख लिया हम क्या कर रहे थे, अभी हम जा रहे हैं रामलीला में, कौन सी रामलीला, लवकुश रामलीला, सबसे बड़ी रामलीला होती है दिल्ली की, लाल किले पे। देखो मेरे साथ कौन कौन भाई जा रहे हैं, भाई जय श्री राम, जय श्री राम, भाई जोर की जय श्री राम, भाई जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री, भाई देख रहे हो जय श्री राम का नारा पूरा है, चाहे गुरुद्वारा चाहे कुछ हो, तुम जानते हो एक जगह तो जरूर लगेगा। चलो मिलते हैं भाई, ये मेन एरिया है बैठने का, मतलब जहाँ सारे यहाँ की मेन हेड वगैरह बैठते हैं ना, पापा वापा सब यहीं बैठते हैं, प्रधान प्रधान पूरे रामलीला के, सब मेन ही एरिया है ये। देखो भाई उसके पीछे खाने का, अंदर अभी दिखाते तो मैं, अंदर खाना खाने भी जाएंगे। देखो ओनली भाई वीवीआईपी अलाउड है, ऐसे हर कोई नहीं आ सकता। ये रहा स्टेज, और हम स्टेज के पीछे जा रहे हैं, बैक साइड स्टेज के सीन है पीछे के, कैसे त्यार व्यार होते रहते हैं। देखो ये देखो भाई बैठे सारे, सब यहीं बैठे हैं भाई, ये देखो सारे यहीं बैठे हैं, रावण वामण, वो देखो मेकअप चल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये रे वहाँ भाई, सब यहीं सीन रहता है, पीछे का सीन है सारा, बैक एरिया कोई नहीं दिखा सकते तुम्हें, तुम्हारे भाई ने दिखा दिया, पर फुल सिस्टम है देखो, ये रे ये सीन है भाई पीछे, ये रहा स्टेज अपना। इतनी लाइफ से भाई कोई राम लीला दिखाएगा जितनी मैं दिखा रहा हूँ, इतने भी आज प्रतीत हो तुम जगह खाना खाने के, अपना ऑफिस है पूरा, मतलब कोई जैसा है ना उधर जाने नहीं देता, और किसी को जहाँ पहले गए थे तो यहाँ आते हैं लोग, अपना पापा ग्रह ने ऑफिस बनवा रखा है। ये देखो ये रहा, यहाँ से रामलीला का टीवी में अगर रामलीला देखनी हो तो भाई यहाँ से देख सकते हो, और ये रहा भाई यहाँ से बाहर कर लिया।
और ये पुलिस की गाड़ी है सफेद, मुझे लगा ब्राउन। भाई इतने खुश क्यों हो तुम भाई? मेरे को आज अवार्ड मिला भाई। अच्छा ओ सम्मानित हो आज आप भाई? ये गोल्ड प्लेटेड अवार्ड मिला भाई। थोड़े दिन पहले आपके साथ बड़ा गलत हुआ भाई। तुम पुरानी बातें छोड़ो ना, राधे की बात तुम आज अभी की बात करो। अच्छा रामलीला से आ गए थे और भाई ये देखो क्या खा रहे हैं, पता नहीं रोलर वोलर क्या है ये, वो उसका नाम तो कुछ और ही बता के गया था, वो बताना नहीं चाहते। और हमारी कुल्फी आ चुकी है, कुल्फी ये क्या, ये चम्मच है, ये कैसे चम्मच है, क्या चम्मच है भाई दिखाना, बैठो बैठो खाओ, ये चम्मच है, ये हमारे पीएसओ साहब आए हैं भाई, पीएसओ साहब हमारे, बंदूक मत दिखाना भाई, बंदूक नहीं निकालनी, चलो अब खान दो भाई जल्दी से। रात को चांदनी चौक का सीन दिखाता हूँ, दिन में तो तुमने देख लिया, रात में देखो भाई शिव जी की बारात निकल रही है। भाई रात में शिव जी की बारात निकलती है, आप पूरी देखो। भाई शिव जी की बारात पूरी रौनक है, रात में पूरी बारात आ रही है, जो प्रोटोकॉल पूरी रौनक भाई, सब खुला खाने पीने का, सब चीज़ को कुछ भूख भूख लग रही है, सब आओ शिव जी की बारात है भाई। ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हमेशा की तरह, पर आज ज़्यादा थक गए, आज बहुत ज़्यादा ही वॉक कर ली भाई। सुबह से आ गए थे, बहुत मज़ा, चाय चौक दक्ष वगैरह को लाए थे, आज हो गए नुकसान, दक्ष वगैरह को खाना खिलाना पड़ गया। अरे मजाक कर रहा हूँ, तो मजाक की बात है भाई, मतलब यार आज चाय चौक पूरा एक्सप्लोर कराया। दक्ष को मैं कहता था भाई मेट्रो से चलेगा, हमेशा किससे, मेट्रो से भाई, पर वो कोई मानता ही नहीं था, पर आज उसे पूरा फील हो गया कि मेट्रो से क्यों जाना चाहिए था भाई। आज एक घंटा हम बस 500 मीटर के लिए खड़े रहे गाड़ी पार्क करने के लिए, जगह नहीं मिली, और भाई फिर इतनी भीड़ थी कि उसकी हालत बुरी हुई। कहता भाई हाथ जोड़ रहा हूँ अगली बार से नहीं आऊँ शनिवार को कभी। और फिर भाई रामलीला गए, तुमने रामलीला में देख लिया प्रोटोकॉल, और भाई मजा आ गया, जय श्री राम ही हुई, और जोर की नींद। और तुम्हें देखो हमारा इंतजार कौन कर रहे थे, देखो भैरव बाबा ये इंतजार कर रहे थे घर के बाहर बैठे हुए। तो भाई सारे राम राम, जय श्री राम, और अगले ब्लॉग में मिलते हैं।